इतना सुबह सुबह बिना बोले आया हूँ ना, मनु शौक होके शेक हो जाएगा। मामा मामा मैं शॉक देने के लिए आने से मुझे ही करंट शॉक दी। बेबम्मा क्या हुआ तुमको? सब फाइन है ना? मैं कराटे कर रही हूँ और तू आकर मुझे ही फाइन डालेगा। हैया मम्मी, हैया पापा, अंकल जी। लगता है सुबह सुबह बेबम्मा को कोई मिल गया है। हाँ, अरे मुकेश तुम? हाँ अंकल, मैं ही हूँ। वैसे बेबम्मा लकड़ी पकड़ के चलने की उम्र में कराटे कर रही है क्या? बस कराटे क्या, कराटे से लेकर कुचिपुड़ी तक सब कुछ करती है। आज को केकड़े जैसे हजम कर ली। वैसे है क्या अंकल? हाँ, ब्रूस ली और जैकी चैन को भी हमारे बेबम्मा ने ही ट्रेनिंग दिया है। एक भी बेल्ट नहीं जो बेबम्मा के पास नहीं। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक, व्हाइट, ऐसे ए टू जेड सभी बेल्ट्स हैं। उतने बेल्ट्स किस लिए अंकल? बेबम्मा कोई बेल्ट शॉप है क्या? बेल्ट शॉप में बेचने वाला बेल्ट नहीं है, कुंग फू कराटे के चैंपियन को देने वाले बेल्ट है। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता अंकल। मुझे बस एक ही बेल्ट पता है, वो है आपका बेल्ट। मारने से चमड़ी निकल जाता है करके मनु बोलता रहता है। मुझ पर इतना प्यार है उसको, सबको मेरे बारे में ही बोलता रहता है। वैसे इतना सुबह सुबह क्यों आया है? वो मनु से मिलने के लिए आया हूँ। मिलने के लिए पहले उसको उठाना पड़ेगा। क्या अंकल, वो अभी तक उठा नहीं? वो सुबह 10 बजे तक नहीं उठेगा, अंदर बिस्तर गर्म कर रहा होगा। जा जाकर देख ले। बेबी आजकल तुम बहुत पतले दिख रहे हो, डाइटिंग शुरू किए हो क्या? मामा 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 नहीं, मनु करके बुलाओ। मामा क्या हुआ है तुमको, कहीं बेबम्मा ने तुमको काटा है क्या? बेबी तुम्हारा आवाज क्या मेरा मुक्कू मामा के जैसा हो गया? बस आवाज ही नहीं, चेहरा भी मेरा ही है। हाँ मामा, तू क्या कर रहा है इधर? शौक हुआ ना तू? शौक होने के लिए तू कोई शाहरुख खान है क्या? मुकेश ही तो है। मैं तुम्हें मस्ती में शौक देने के लिए आया था, लेकिन तू तो शौक ही नहीं हुआ। मेरे पापा का शौक खा खा कर मेरा बॉडी अभी शौक प्रूफ हो गया है। वो शौक के सामने शौक कुछ भी नहीं है। वैसे तू बेबम्मा से बचकर बेडरूम तक आ गया, मतलब तुझे ऑस्कर अवार्ड दे सकते हैं। बचकर नहीं आया हूँ मैं, मार खा कर आया हूँ। सुबह सुबह तू कितना अच्छा खबर बोला है, तू बचकर आया होगा करके मैं उदास हो गया था। छी नालायक। नालायक नहीं, मैं ही तेरे लायक दोस्त हूँ। वो सब ठीक है, ये कौन सा सीजन है बोलो? बस ये सवाल पूछने के लिए सुबह सुबह साइकिल लेकर इतना दूर आ गया? तू तो मेरे से भी वेला है। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, ये कौन सा सीजन है? ऊपर धूप नीचे गर्मी, समर सीजन है। नहीं, रमजान सीजन। हाँ सही है मामा, ये रमजान सीजन में मिलने वाला स्पेशल आइटम है हलीम। हाँ मामा, वो एक एक स्पून मुंह में रखकर खाने से रहता है और गला गंगम डांस करेगा। तू बोलने से ही मेरा मुंह में पानी आ जा रहा है मामा। इसीलिए मामा हम इस शहर के बेस्ट प्लेस में हलीम खाएंगे। वो कहाँ है मामा? चार मीनार के पास। वहाँ इतना अच्छा रहता है क्या मामा? मुझे भी नहीं पता मामा, हमारा डिंपल दिनेश है ना, उसने बोला है। वहाँ हलीम नहीं खाने से जिंदगी ही बेकार करके बोला था वो। ओहो, वो बोल रहा है तो सच ही होगा। इसीलिए मामा चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। मामा वैसे चार मीनार तक जाएंगे कैसे? मेरा साइकिल है ना उसी पर। चार मीनार तक साइकिल पर जाएंगे तो पैर पपीता बन जाएंगे। तो फिर क्या करें मामा? तू इतना कंजूसी करता है, तेरे पापा का कार्ड लेकर आ सकता है ना। कंजूसी के बारे में तुम मुझे बता रहे हो मामा? हाँ ठीक है, अभी वो पर्सनल बातें क्यों, मेरे पापा का गाड़ी पूछता हूँ, चलो। सुप्रभात पिताजी। ज्यादा विनम्र होने का नाटक क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? एक बार आपका गाड़ी का चाबी देने से। अच्छे से साफ करके अंदर रख देगा? इसलिए नहीं पिताजी, कोटी में नई क्वेश्चन बैंक आए हैं, उसे खरीदने के लिए जाना है। तेरी जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क है, फिर से तुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए? पिताजी वो बहुत जरूरी है। ठीक है तो फिर साइकिल पर जाकर पीछे कैरेज पर किताब रख कर लाओ, मैं मेरा गाड़ी नहीं दूंगा, तू खराब कर देगा। वो एक बढ़िया रॉयल एनफील्ड और मैं उसको खराब कर दूंगा। मैं रॉयल एनफील्ड नहीं भी हो, लेकिन मैं उसको बहुत रॉयल से चलाता हूँ। छी, इसलिए मैं परसों आपको बोला मुझे गाड़ी देने के लिए, वो खरीदते भी नहीं और अपना गाड़ी देते भी नहीं, और क्या करूँ मैं? माँ देखो ना माँ जी, बस एक बार के लिए दे दीजिए ना। फिर से माँ का रिकमेंडेशन है इस गधे को, ये लो संभाल कर जाकर वापस आओ। हैंडल लॉक डालना मत भूलना, लॉक करने के बाद एक बार हैंडल हिलाकर देखना, जहाँ चाहे वहाँ धूप में खड़ा मत कर, जहाँ पर भी छाया हो वहीं खड़ा कर। ठीक है जी। ये ले ये 25 लेकर। हाँ 25 लेकर। पेट्रोल बदलाव। यही है मामा चार मीनार। अच्छा यही है क्या, मैं तो ताजमहल सोच रहा था। तू
ऐसा सोचेगा इसलिए बता रहा हूँ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चार मीनार के बारे में नहीं पता होने वाला भी कोई रहता है क्या? हर एक मूवी में हैदराबाद बोलते ही दिखाने वाला लोकेशन यही है। ठीक है मामा, वैसे भी आए हैं ना, तो थोड़े फोटोज निकाल लेते हैं। चलो। हाँ चलो मामा, मैं तैयार हूँ, निकालो। पिछली बार मैं तुम्हारा फोटोज निकाला, इस बार तुम मेरा निकालो। निकालूंगा, लेकिन जब फोटोज अपलोड करो नीचे मुझे क्रेडिट देना। हाँ, दे दूंगा, पहले निकालो। मामा अभी मैं तुम्हारा कुछ क्रिएटिव शॉट्स निकालूंगा, कोऑपरेट करो। हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ, सोचने जैसा पोज कर। ऑसम। अभी जिस तरह रेलवे स्टेशन पर टी कॉफी कैसे बेचते हैं वैसे बोलो। हाँ, चाय। हाँ, कॉफी। हाँ, हिले बिना ऐसे ही खड़ा रहे। मार्वेलस। दीवार पर छिपकली जैसा पोज कर। वाओ, किलिंग लुक। मामा ये काफी है तेरे फेमस हो जाने के लिए। थैंक्स मामा। मुझे थैंक्स मत बोल, बस तू भी मेरा 3 फोटो निकाल दे ताकि मैं भी फेमस हो जाऊँ। ठीक है मामा, जाओ। मामा पीछे छेद है ना, फोटो ऐसा निकालना कि मेरा पूरा बॉडी उस छेद में आ जाए। ओके। ठीक है मामा। मामा छेद में आया है ना? हाँ मामा, छेद जैसा आया है। मैं अच्छा दिख रहा हूँ करके जलन है तुझे। मैं तुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसको फॉलो करके फोटोज निकालो। ठीक है। कैसे आए मामा? लाजवाब, मेरे करियर का बेस्ट आउटपुट है। What? मुझे दिखाओ। हाँ मामा ये क्या है? उम्र सारी। एक फोटो में भी मैं नहीं हूँ। देखो मामा, इसमें हो। मैं हूँ लेकिन फोकस कहाँ है? अरे कुत्ते का फोटो क्यों निकाला? बहुत क्यूट है करके निकाला। तुझे बस मैं ही क्यूट नहीं दिखता, वो कौवे कुत्ते वही क्यूट दिखते हैं तेरी आंखों को। यू अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर। मैं तेरा फोटो अमाला पॉल जैसे निकालने से तू मेरा कापॉल जैसा निकाला। मामा डोंट फील एंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। अयो फोटोज के चक्कर में पड़कर हम तो असली काम भूल गए। वैसे हमारा हलीम कहाँ है मामा? सलीम की हलीमा। मामा इधर बस सलीम को ही हलीम देंगे क्या, या फिर हमको भी देंगे? अरे वो दुकान का नाम है, सबको देंगे। तुझे पता है ना मामा, मुझे नहीं आता, तुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है चलो। एक मिनट मामा, गाड़ी दुकान के सामने ही पार्क करते हैं। बोल पुत्तर, की चाय दाए? हमको चाय किस लिए मामा? तुम रुको मामा, मैं मैनेज करता हूँ। भैया दो हलीम, जल्दी। केड़ा हलीम चाय दाए? कौन सा का क्या मतलब है भैया, करेले या केकड़े का नहीं बकरे का हलीम चाहिए। की बोला? ओए केकड़ा की उंदा है। मामा हम हलीम खाने के लिए आने से ये हमको खा रहा है क्या? ओ पेड़े, बोल की चाय दाए? ये चाय क्यों पूछ रहा है हमसे, जब हम हलीम पूछ रहे हैं तो। भैया दो बकरा का हलीम, गिव। मामा बकरे को पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ भैया दो मैं हलीम गिव। ओह थानू मटन हलीम चाहिदा है, दे देंगे, बैजाओ बैजाओ। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा दोस्त है। हाँ भैया थोड़ा प्याज डालो। हाँ ठीक है ठीक है। मामा तूने बोला तुझे पंजाबी नहीं आता, फिर भी इतना अच्छा बोल रहा है। मुझे बस यही आता है, अभी पानी पूरी की दुकान के पास सीखा था। चलो खाते हैं। और खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या है, इतना नाजुक गले से उतर कर सीधे पेट में जा रहा है। हाँ मामा। पाजी और दो मैं। पाजी अब्बा। सुपर मामा, बहुत अच्छा है, हमारा डिंपल दिनेश सही बोला था, अगर ये हलीम नहीं खाएंगे तो जिंदगी ही बेकार है। हाँ मामा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल के बारे में डर लग रहा है। बिल का क्या है मामा, हर रोज थोड़ी खाते हैं ऐसा, कभी कभी खाते हैं। ऐसे बोलते हो क्या? हाँ मामा, वैसे भी हलीम कितना ही महंगा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पूरी से 10 रुपए ज्यादा होगा। बस तुमने 3 प्लेट खाया, मैंने 3 प्लेट खाया, 6 × 20 120, तेरे पास कितना पैसा है? 150 है मामा। और क्यों डर रहा है, बिल देने के बाद भी एक ड्रिंक पीकर उसको टिप देकर जा सकते हैं। भैया कितना हुआ? 1200। हाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, शुक्रिया। पहले बिल कितना हुआ वो बोलो। 1200। मामा तुमने कुछ पार्सल बोला है क्या? नहीं मामा। तो फिर 1200 किस लिए, हमको बच्चा समझकर लूट रहे हो क्या? ओए धोखा की है, 1 प्लेट 200 दी, नीचे बोर्ड में। हाँ 1 प्लेट हलीम 200 है क्या? ओए अच्छे नहीं, हर जगह यही है। मामा पहले बोर्ड देखना तुमको पता नहीं है क्या? अबे साले मैंने नहीं देखा, ठीक है तो फिर तू क्या कर रहा था? मैं कब से बोल रहा था तुझे,
तूने क्या बोला? कितना होगा? पानी पूरी से 10 रुपए ज्यादा होगा करके बोला। अब ऑर्डर पर ऑर्डर दिया, अब वो 1200 पूछ रहा है। की गल्ला कर रहे हो? 1200 दो और ऐसे तो पजो। इधर बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट रुको। मामा तेरे पास 150 है और मेरे पापा जो पेट्रोल के लिए पैसे दिए हैं वो भी मिलाने से 175 होगा। कैसे भी करके सौदा करते हैं। रुको भैया, हमारे पास बस 175 ही है। इज्जत से लो और मुंह बंद कर लो। तुम लोग इज्जत नाल 1200 पे करो, नहीं तो तुम्हारे अंडे निकाल पाया बनाऊंगा। अंडे ही है ना? नहीं मामा, ये बहुत ज्यादा कर रहा है, तुम हैंडल करो। भैया मेरा नाम मुकेश है, मेरे एरिया में मुझे क्या करके बुलाते हैं तुझे पता है? की बोल दे है। भागो बाहुबली, कूदो। ओ माँ, गांव पूरा भागे तो भागे लेकिन बचकर घर पहुँच ही गए हैं। हाँ मामा। आखिर में तू भागने का आइडिया नहीं देता तो हम उसके हाथ में पाया बन जाते मामा। मामा वैसे मैं किसके लिए हूँ? तुझे बचाने के लिए ही हूँ ना। लव यू मामा, लव यू टू रे। अबे लग रहा थक गया तू। हाँ पिताजी, 10 किलोमीटर का प्रतियोगिता चल रहा है तो पूरा भाग कर आए हैं। गाँव पूरा भाग कर आया, लेकिन गाड़ी कहाँ है? गाड़िया कहीं छोड़कर आ गया क्या? ओए 1200 रुपए गए तो गए, गड्डी तो मिल गई। ओ पिताजी, सलीम, हलीम। सलीम हलीम क्या बोल रहा है गधे? मेरी गाड़ी कहाँ है? जाकर ढूंढ कर लेकर आओ, तब तक तुझे घर में नो एंट्री। अरे मुक्कू मामा, बाहुबली बोलकर मेरा जिंदगी भिखारी जैसा बना दिया।